हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. बच्चों कैसे हो? हाउ आर यू? आज टुडे आई एम टीचिंग चैप्टर थर्ड एंड पार्ट थ्री, है ना. आज हम इस चैप्टर को रिपीट करेंगे रिक्रिएशन का. बच्चों इससे पहले हम लोगों ने सारे अपने जितने भी फंक्शन से कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, अपने नेशनल फेस्टिवल्स हैं और अपने जो है नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो पढ़ा था हम लोगों ने. तो रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से अपने से? दिवाली, होली, रक्षाबंधन, है ना. और हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, है ना. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. हाँ, रिक्रिएशन. रिक्रिएशन यानी हमारा मनोरंजन. हम किस प्रकार से अपना मनोरंजन करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना. तो देखिए, आफ्टर डेज ऑफ वर्क एवरी वन गेट टायर्ड एंड द नीड टू ब्रेक. हम लोग जब कोई भी वर्क करते हुए थक जाते हैं तो हम आगे उसमें ब्रेक चाहते हैं ताकि हम लोग वापस से फ्रेश हो सकें, है ना. ब्रेक करने के बाद हम लोगों को वापस से हम उस चीज़ को अच्छा बेटर कर सकते हैं. एन एक्टिविटी डन फॉर द फन एंड एन्जॉयमेंट इज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी. जो हमारी एक्टिविटी है हम उसको और एन्जॉयबल बना सकते हैं रिक्रिएशन के थ्रू, मनोरंजन के थ्रू, है ना. रिलैक्स इट रिलैक्स अस, मेक अस टू हैप्पी एंड इनेबल अस टू वर्क बेटर. इससे हमें क्या होगा, एक इंटरनल हमें एक अंदर से खुशी मिलती है और हम उसको अच्छे से वर्क को बेटर कर सकते हैं, ना. तो आप लोगों ने देखा हो जब आपका लंच होता है, आप 4 पीरियड पढ़ाई करते हैं उसके बाद आपका लंच ब्रेक होता है, उसके बाद आप लोग लंच करके थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, आप खेलने जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है, यानी आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है. उसके बाद से आप फिर लंच ख़त्म होने के बाद आप जस्ट फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो आपको अच्छा इंटरेस्ट आता है, वरना वो बोरियत सी लगने लगती है. देर आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ द रिक्रिएशन सच ए प्लेइंग, वॉचिंग मूवी इन आवर कंप्यूटर, विजिटिंग ए पार्क, जू, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड द फेयर्स और ए मॉल्स, गोइंग टू अ पिकनिक एटसेट्रा. हम लोग देखते हैं जब हम लोग अपना मनोरंजन करते हैं किस तरह से करते हैं, हम लोग वॉचिंग मूवी या अपना मोबाइल चलाते हैं या अपना टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं या फिर कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते हैं. विजिटिंग पार्क, अगर घर पे अगर मन नहीं लग रहा तो हम लोग अपने पार्क में कोई विजिट करने निकल जाते हैं, या फिर अगर अपने को कहीं बाहर अदर जगह पे घूमना चाहते हैं तो हम लोग जू वगैरह देखने जाते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं या फेयर्स मेले वगैरह में चले जाते हैं या फिर मॉल्स वगैरह में घूमने जाते हैं हम लोग, और या फिर हम लोग अपना एक घर पे फैमिली प्लान करके पिकनिक स्पॉट वगैरह पे जाते हैं हम लोग एटसेट्रा, है ना. तो ये सब चीज़ें हमारे रिक्रिएशन में आते हैं, यानी अपना एंटरटेनमेंट, यानी मतलब घर पे अपने सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अपना एक एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एक अपना मनोरंजन चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से एक अपने अंदर थोड़ा सा नया फील आ सके हम लोगों के अंदर, है ना. और रिक्रिएशन एक्टिविटी आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेकर्स. हमारे जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, जो हमें मनोरंजन करने की जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, उससे हमारे क्या मेकअप कर सकते हैं हम लोग? हैप्पी एंड चेयरफुल, यानी एक तरह से उस एंटरटेनमेंट करने के बाद हम लोगों को एक तरह से खुशी मिलती है और हमारे चेहरे पे वो खुशी दिखाई देती है. फ्रेश एंड एक्टिविटी, और हम लोग उस एक्टिविटी से फ्रेश हो जाते हैं और अंदर एक अपने अंदर एक अच्छा फ्रेश फील करते हैं. फिट एंड हेल्दी एक्टिविटी, हम लोग जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं उससे हम फिट और हेल्दी होते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आपका वॉकिंग हो, है ना. क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव, हम लोग एक ब्रेक लेने के बाद ऐसा लगता है कि उस चीज़ के अंदर हम और आइडिया दे सकते हैं और क्रिएटिविटी उसको बना सकते हैं एक ब्रेक लेने के बाद. क्रिएटिव इनोवेटिव और रिलैक्स एंड रेजुनेटेड, और हम लोग रिलैक्स होने के बाद ऐसा हमें फील होता है कि वाकई एक हमें फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल, जैसे हम सो कर रुक के ऐसा लगता है ना कि हमारी बॉडी में एक तरह से नयापन आ गया है, उसी प्रकार से हम लोगों को ये रिलैक्स होने के बाद में हमें महसूस होता है. देखिए आप इधर पिक्चर में देखिए, आप लोग जैसे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या एथलेटिक्स वगैरह या फिर फ्लाइंग द काइट या स्किपिंग वगैरह कर रहे हैं, गेम्स वगैरह हैं या डंबल वगैरह उठा रहे हैं. इधर देखिए आप फुटबॉल वगैरह खेलने पे लग रहे हैं बच्चे. आगे अपने चलते हैं, देखिए गेम्स के बारे में, है ना. लेट अस रीड अबाउट द रिक्रिएशनल एक्टिविटी. हमारे जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या क्या हो सकती हैं, हम अपने मनोरंजन और किस प्रकार से कर सकते हैं. देखिए अब फर्स्ट है गेम्स. गेम्स एंजॉय टू ऑल द चिल्ड्रेन, दे लव टू प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. अधिकतर बच्चे गेम्स सभी पसंद करते हैं, चाहे वो आउटडोर गेम्स हैं चाहे वो इंडोर गेम्स हैं. इंडोर गेम्स आर द मोस्टली बोर्ड गेम्स लाइक अ लूडो, कैरम, चेस, चाइनीज चेकर, प्लेइंग गेम्स और कंप्यूटर और ए प्लेइंग वीडियो गेम्स और द इंडोर एक्टिविटी. जो हमारे इंडोर गेम्स हैं ज़्यादातर वो एक बोर्ड पे खेलने वाले गेम्स होते हैं. देखिए आप इधर पिक्चर देखिए, आप लूडो है, लूडो भी एक बोर्ड पे खिलाता है, स्नेक है, लैडर्स हैं, कैरम है, ये सब बोर्ड पे खेलने वाले हैं. और इंडोर में हम लोग अंताक्षरी वगैरह भी खेल सकते हैं बैठ के ग्रुप बना के. चाइनीज चेकर है, ये भी आप अंदर इंडोर गेम में कहलाता है ना. तो ये सारे इंडोर गेम्स हैं जो हम लोग एक बोर्ड के ऊपर खेलने वाले गेम्स हैं.
तो वीडियो देखिए, गेम्स एंड इंडोर गेम्स आर द एक्टिविटीज, इसके थ्रू भी हम अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, है ना। अब आइए आप आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर द नॉर्मली फील्ड एंड अ टीम गेम। आउटडोर गेम्स के लिए हमेशा दो से अधिक मेंबर चाहिए होते हैं हम लोगों को, है ना। तो वो एक तरह से एक टीम के रूप में या फिर ग्रुप के रूप में हम लोग उस गेम को खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, एट्सेट्रा। तो ये देखिए जो इस टाइप के गेम्स हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, वो ज़्यादातर ग्रुप में खेलने वाले गेम्स होते हैं। इधर देखिए आप पिक्चर में सारे ग्रुप में गेम खेलने जा रहे हैं, ये बिल्कुल है ना। आगे देखिए अब आप ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रेडिशनल यानी हमारे शुरू से गाँव में खेले जा रहे हैं और आज हमारे सिटीज़ में भी खेले जाते हैं ये गेम्स, है ना। इतने पॉपुलर होते हैं गेम्स। और ट्रेडिशनल गेम्स आर द पॉपुलर इन अ विलेज एंड स्मॉल टाउन। ये कहाँ से आए हुए हैं ये सारे ट्रेडिशनल गेम्स? हमारे गाँव से और छोटे छोटे कस्बों से। दे गेम्स आर आल्सो पॉपुलर इन अ ग्रोइंग टाउन एंड अ सिटीज़। जो हमारे अधिकतर ये गेम्स कहाँ से, जो टाउन से आए, वो आज हमारे सिटी में खेले जाने लगे हैं। चिल्ड्रन स्टिल, देखिए आप इधर पिक्चर में देखिए कि बच्चे क्या क्या गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। इधर देखिए, एक तो क्या है, कबड्डी है, कबड्डी खेल रहे हैं। लंगड़ी, लंगड़ी टांग आपने सुना होगा, ज़्यादातर लड़कियाँ खेलती हैं, या फिर सतोलिया वगैरह है जो। और टॉप द, जो अपने हथेली पर हम लोग एक तरह से लट्टू चलाते हैं, इस उसको बोलते हैं। देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसमें, एक लट्टू को अपने हथेली पे चला रहा है ना वो। स्पिनिंग द टॉप, यानी अपने हथेली के ऊपर रख के, उस एक तरह का लट्टू होता है, उस पर एक नीडल लगी रहती है और उसको वो अपने हथेली पे घुमा रहा है। आगे देखिए आप इधर, ये जो इसके कंचे होते हैं, कांच के जो बने हुए होते हैं, ये कंचे खेलने पे लग रहे हैं बच्चे। आगे देखिए, और अब ये गिल्ली डंडा, एक तरह का लकड़ी का एक छोटा पीस होता है, उससे बैट बना करके उसको मारते हैं, है ना। और ये पकड़े पकड़ाई, इधर देखिए आप, आज भी ये बच्चे, कुछ गेम नहीं मिलता है तो कम से कम इस गेम को वो अपने आप लड़के खेलने लग जाती हैं। इधर ऐसे सारे गेम्स से जो एक एज ए ग्रुप में खेलने में मज़ा आता है ये, ठीक है बच्चों। आगे देखिए हम लोग, ये सारे गेम्स देख रहे हैं आप लोग। आगे देखिए आप एंड रीडिंग। रीडिंग में क्या है, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, इट अ पॉपुलर सेइंग दैट बुक आर द अवर बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है कई बच्चों को बाहर जाना पसंद नहीं आता, वो ज़्यादातर अपना सारा टाइम बुक्स वगैरह पढ़ने में, कॉमिक्स वगैरह पढ़ने में इंजॉय करते हैं अपना, है ना। अब उनका बुक्स, उनको ऐसा लगता है हमारा फ्रेंड है, बुक को एक तरह से बेस्ट फ्रेंड मानते हैं वो लोग। और रीडिंग एनहांसेस ऑफ योर नॉलेज, इससे क्या होता है, रीडिंग करके उन लोगों को एक तरह का नॉलेज गेन होता है, एक नॉलेज मिलता है। इट आल्सो इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, वी कैन बोथ द स्पीक एंड राइट वेल। इस तरह से ज़्यादा बुक्स पढ़ने से उन लोगों को एक कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कैसे बात की जाए, और उनको कुछ हैबिट्स अच्छी पड़ती हैं, उसमें से वी कैन द बुक स्पीक और बोलना अच्छा आता है उन लोगों को। चिल्ड्रन शुड रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, इस तरह से बच्चे बहुत सारी कॉमिक्स, अलग अलग प्रकार की कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। द डेवलप द साउंड नॉलेज एंड बेस, और इस तरह से उनका जो साउंड नॉलेज है, किस प्रकार से कैसी चीज़ कैसे बोली जाती है, उसको पढ़ के बताते हैं। नहीं तो फिर वो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि हमें ये कैसे पढ़ना है। इस तरह से वो उनको सारे एक तरह से उसको बनाना, वर्ड को बनाना सिखाते हैं, और वो अपना इम्प्रूव कर सकता है वो, है ना, और उनका नॉलेज बढ़ता है। आगे देखिए अब आप, नेक्स्ट है म्यूजिक एंड डांस। ये पिक्चर्स देखिए आप लोग इधर, म्यूजिक एंड डांस में कितने के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। तो इस तरह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भी हम अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इधर, म्यूजिक रिलैक्स एंड आवर माइंड, इट मे बी अ वोकल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम चाहे वोकल से अपना एंटरटेनमेंट करें या फिर हम इंस्ट्रूमेंट से अपना एंटरटेनमेंट करें। ये वोकल से यानी अपने मुंह से गाने वाला गाना, जैसे हम लोग मुंह से गा करके उस गाने को हम और इन्जॉय कर सकते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ को क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद आता है। किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको मैंने दिखाया है आपके पिक्चर में, देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हारमोनियम है, पियानो है, गिटार है, सितार है, या फिर वायलिन है, तबला, ढोलक, है ना। इस तरह से कितने सारे गेम्स, ये इंस्ट्रूमेंट है जो आप अपना इन्जॉय कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ये चीज़ें बजाने बहुत पसंद होती हैं। मैनी चिल्ड्रंस लर्न टू सिंग वाइल मैनी अदर्स लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल। कुछ बच्चे जो गा करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं, कुछ उसको बजा करके, इंस्ट्रूमेंट को बजा करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। देखा दे मे लर्न इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक। कुछ को अपना इंडियन म्यूजिक बहुत पसंद आता है, तो कुछ को म्यूजिक बाहर का, वेस्टर्न का पसंद आता है, जस्ट लाइक ए म्यूजिक। और डांस टू इज़ अ वेरी इंजॉयबल। और कुछ को डांस करना बहुत पसंद है, आजकल आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में भी
कितने तरह के डांस होते हैं। तो डांस करने से अपना एक तो बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकता है वो, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज और ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इट मेक्स ए वन फिट स्लिम एंड एक्टिविटी, और इससे हम लोग ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे हम अपना बॉडी को फिट कर सकते हैं, स्लिम रह सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। चिल्ड्रेन कैन बी लर्न एनी टाइप ऑफ डांस, चिल्ड्रेन जो हैं वो हर तरह के डांस कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, हर तरह से मूव कर सकती है। तो इंडियन आर द वेस्टर्न मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द ईच टाइप ऑफ डांस फॉर्म। आजकल बहुत तरह के डांसेस चल गए हैं, जैसे आप लोग टी वी प्रोग्राम में देखते होंगे हिप हॉप है, वेस्टर्न म्यूजिक है या फिर बॉलीवुड है, इस टाइप के अलग अलग डांसेज वगैरह होते हैं जो कि आप अपने टीवी से देख करके उसको सीख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं टीवी में आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, ये है म्यूजिक एंड डांस का आपका। आगे हम अब इसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन टाइप में देखिए आपको पूरे चैप्टर का एक तरह से एक लाइन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए आप इधर फेस्टिवल एंड द टू काइंड्स, कितने टाइप के फेस्टिवल्स हैं हमारे, दो टाइप के, नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल, यानी राष्ट्रीय त्यौहार और हमारे धार्मिक त्यौहार है ना। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर अवर नेशनल फेस्टिवल विच वर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस और इंडियंस। हमारे लिए जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको हमें उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली, होली, गुरुपर्व, क्रिसमस एंड सेलिब्रेटरी बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस। जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, जो हिंदूज हैं वो ज़्यादातर दशहरा, दिवाली, होली वगैरह, जो मॉमडन्स हैं वो ईद वगैरह हैं, पंजाबी जो हैं सरदार वो गुरुपर्व मनाते हैं और क्रिश्चियन हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो अपना धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। रिक्रिएशन एक्टिविटी रिलैक्सस, जो हमारे रिलैक्स है मनोरंजन जो एक्टिविटी है उससे हम रिलैक्स फील करते हैं। मेक अस ए हैप्पी एंड एनेबल अस टू वर्क बेटर, इससे क्या होता है हमारे वर्क और ज़्यादा बेटर हो सकता है। हम अगर उससे रिलैक्स हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, कोई भी वर्क करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें तो हमारे वर्क बहुत बेटर कर सकते हैं उससे, है ना बच्चों। ये आप लोगों को समझ में आया है, आप इसको रिवीजन करिएगा, चैप्टर पढ़िए, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।